लोग तो कहते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला जो हैं वो नक्शबंद सिलसिले के पीर हैं। नक्शबंद सिलसिले के पीर नहीं हैं, वो सारी उम्मत के पीर हैं। हजूर ने उनको इमामत पर खड़ा किया है। हर का अपने अपने जगह पर मुकाम है कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु वो हस्ती हैं जिसने हजूर के पीछे नमाजें अदा फरमाई। जब हजूर नमाज पढ़ाते थे तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु हमेशा दाएं साइड पर खड़े होते थे और साथ जमात। और एक जगह पर ही नहीं, बल्कि अभी गारे सौर की पहले बात मुकम्मल कर लें। गारे सौर में जब ऐसा हो गया फिर क्या हुआ, हजूर तशरीफ ले आए। फिर जब हजूर तशरीफ ले आए तो फिर क्या हुआ कि हजूर उनके जानों पर सर मुबारक रख कर सराहत फरमाई, उन्होंने आराम फरमाया। जब आराम फरमाया, अब ये अबू बकर की एक शान है। और एक जगह पर हजूर फरमाते भी हैं हजरत उमर रजी अल्लाह ताला के बारे में, वो फरमाते हैं कि जितनी नेकियां हजरत उमर रजी अल्लाह ताला की हैं उतनी एक रात की नेकियां जो अबू बकर सिद्दीक की जो गारे सौर में मेरे साथ थे उनके बराबर हैं। कि सारी रात उनको देखते रहे, इतना देखा इतना देखा कि जब वो मदीना शरीफ गए तो लोग पहचान नहीं सके कि इनमें से हजूर कौन से हैं और अबू बकर कौन से हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ने क्या किया कि चादर लेकर हजूर के ऊपर खड़े हो गए ताकि पता चल जाए कि गुलाम कौन है और आका कौन है। फिर हजूर नमाज अदा फरमा रहे हैं, इमामत फरमा रहे हैं, अबू बकर पीछे खड़े हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु जिसे इमाम सियूती फरमाते हैं, वो कहते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के जहन में ख्याल आया कि पता नहीं मेरा वजू जो है वो है भी या नहीं। जब ऐसा ख्याल आया तो जमात को छोड़कर बाहर चले गए। हजूर इमामत फरमा रहे हैं, क्या जाकर बाहर देखते हैं तो तीन आदमी खड़े हैं। एक के पास लोटा है, एक के पास वो थाल है, एक के पास तौलिया या रुमाल कह सकते हैं कि वो है। तीनों लेकर खड़े हैं। तो पहले तो सोचा उन्होंने कि ये कौन लोग हैं। बाद में उन्होंने कहा कि वजू करना है, वजू करो। तो एक ने लोटे से पानी डाला, दूसरे ने थाल रखा, तीसरे ने जब वजू कर लिया तो कहा कि हजूर ये तौलिया भी हाजिर है, तौलिया भी इस्तेमाल किया, आकर शामिल हो गए। जब हजूर ने सलाम फेर लिया, सलाम फेरने के बाद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह की तरफ चेहरा किया, कहा कि अबू बकर नमाज में जो कुछ हुआ था वो तुम बताओगे कि मैं बताऊं? तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ने कहा कि या रसूलल्लाह आप ही बताएं तो बेहतर है। कहा कि तुम्हारे दिल में जो ख्याल था वो सही था कि वजू है या नहीं है। और फिर जब तुम गए थे तो तीन जो आदमी खड़े थे बाहर, वो जो लोटा लेकर खड़ा था वो जिब्राईल था, जिसको जिब्राईल वजू कराए वो अबू बकर सिद्दीक है। फिर जो उन्होंने कहा जो थाल जिसके पास था वो मिकाईल था, और जो जन्नत का दरोगा था वो था जो रुमाल लेकर खड़ा था। तो कहा अबू बकर वो ये थे, तो ये नहीं पूछोगे कि जो इज़राइल था वो कहाँ था? कहा या रसूलल्लाह मैं कोई नबी तो नहीं हूँ कि मुझे पता हो कि कहाँ है, वो तो आप जानते हैं कि इज़राइल कहाँ था। कहा कि अबू बकर जब मैं नमाज पढ़ा रहा था तो इज़राइल मेरा गोड्डा जो है उसको पकड़ कर खड़ा था कि अभी रुकू में से सजदे में नहीं जाना, कि अबू बकर साथ मिल जाए तो फिर सजदे में जाना। तो क्या हुआ, जिसका रुकू जो है जिसके लिए लंबा हो जाए, हजूर का रुकू जिसके लिए लंबा हो जाए उसको अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, और जिसका सजदा जिसके लिए लंबा हो जाए उसको इमाम हुसैन कहते हैं। हम जो सुन्नी लोग हैं, अहले सुन्नत जमात वाले हैं, ये अल्लाह ताला का हम पर करम है कि हम अगर सहाबा से प्यार करते हैं तो हम अहले बैत से भी प्यार करते हैं। जितना हम अहले बैत को
मोहब्बत रखते हैं उतना सहाबा को भी मानते हैं। हम काने नहीं हैं कि हम दोनों आंखें रखने वाले लोग हैं कि उस एक आंख को अबू बकर सिद्दीक समझते हैं, एक आंख को हजरत अली भी समझते हैं। हजरत अली का अपनी जगह पर मकाम है।